ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा समाज सेवी एवं पार्षद मुन्नालाल यादव एवं विजय अग्रवाल जी का शॉल, श्रीफल एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा में स्थित अविकसित बाल गृह में बच्चों को फल एवं मिठाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर मुन्नालाल यादव ने ओबीसी मोर्चा मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि मोर्चा हमेशा निःशक्त जनों के लिए, नेत्रहीनों के लिए, गरीब एवं समाज के दबे कुचले लोगों को आगे लाने के लिए प्रयास करता है। इस अवसर पर ओबीसी मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका, प्रदेश संयोजक हुकुमचंद यादव, प्रदेश सचिव दीपक मलेरिया रानू, शहर अध्यक्ष राजेश यादव, अशोक नालिया, राकेश यादव, राजेंद्र गोमे, कृष्ण गोपाल सिरसिया, अशोक चौहान, शैलू पंडित सहित बड़ी संख्या में ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश एवं सत्यशोधक समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्य कारण ये है कि हमारे इंदौर शहर के ओबीसी के जामाज नेता जो निष्पक्ष ओबीसी एससी एसटी किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति हो उनकी सेवा है, सदैव हमारे मुन्ना यादव जी करते हैं। और मुन्ना भैया को मैं आज से नहीं जानता हूँ, काफ़ी समय से जानता हूँ, और इनके जो गुरु थे देवकसी सांकला उनके माध्यम से मेरा संपर्क हुआ इनसे। तो हमने आज इनका एक छोटे से रूप में, एक मान सम्मान के रूप में इनका जन्मदिन मनाया है, और ओबीसी की तरफ से इनको हम ढेर सारी बधाई देते हैं और चाहते हैं कि वो मुन्ना भैया मतलब पार्षद तक ही सीमित न रहे और आगे बढ़े। मैं ये कहूँगा कि जब पिछड़ा वर्ग जो संगठन है, प्रकोष्ठ है, ये लोग हमेशा समाज सेवा का काम करते रहते हैं। अलग अलग गतिविधियों में कभी मंदबुद्धि बच्चे हैं, कभी निराश्रित बच्चे हैं, कभी दृष्टिहीन बच्चे हैं, इन सब जो संस्थान हैं उनकी मदद भी करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। मैं इन सब की ऐसी सेवा भावना हमेशा बनी रहे और ये समाज की सेवा करते रहें और ऐसे ही निःशक्त जनों की सेवा करते रहें, यही शुभकामनाएं इनको देता हूं। हनुमान जन्म उत्सव की बधाई और साथ में हमारे जांबाज पार्षद मुन्नालाल जी का यादव को जन्मदिन बधाई। और यहाँ के जो मंदिर का संचालन कर रहे हैं विजय भैया, उनने इस मंदिर को छोटे से रूप से देख के आज बहुत बड़ा काम किया है। वो संरक्षक है, उनका सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद।